आपकी कुछ और फरमाइश पे हाजिर आ रही है यमुना पार के दिलों की धड़कन, जी झील की रानी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए पिंकी पिंकी पिंकी। क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरजेंसी से आप इंदिरा गांधी को डिफाइन नहीं कर सकते? लार्जर पर्सनैलिटी थी या सिर्फ एक एस्पेक्ट था? अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी लाइफ वॉज डिफाइंड बाई इमरजेंसी। यस, यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। इमरजेंसी अगर आप देखें कि उन्होंने जो है जब पाकिस्तान का विभाजन किया तो उनका एकमात्र उद्देश्य जो है पाकिस्तान का हो गया, हमारा देश भी डिवाइड होना चाहिए। कुछ भी। पर राहुल गांधी से आपको दिक्कत क्या है यार? आप वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। देखिए, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। मैं तुलना नहीं करता चलिए इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की, बट फैक्ट ये है वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं। अध्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी एलओपी वो हैं। ठीक है, उनकी पार्टी की 99 सीट्स आई हैं। नहीं, कैन आई टेल यू समथिंग? जुम करो के ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। इस बार के लोकसभा चुनाव के मैंडेट को आप कैसे देखती हैं? सारे एग्जिट पोल कह रहे थे 400 पार, बीजेपी की अपने दम पर भी 272 नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या समझ में आता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी समझ को खैर, आई पर्सनली फील के आपको जो भी जिस तरह के भी हर फील्ड में आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी एक्ट्रेसेस नहीं हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, वट एवर इट टेक्स, और वो होती भी है। तो अगर आप देश को जलाने पे ही आ गए हैं, कोई सेंस है इस बात की? अगर आप देश को किसी भी तरीके से, किस तरह की अफवाहें फैलाई गई मेरे खुद के इलेक्शन में, एक दिन पहले आके युवाओं को 1.5 लाख देंगे, हर महिला को 8,000 मिलेंगे, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, देश को ये कर। One eternity later. ठीक है, आपने करी अपनी करतूतें और आप अभी कर रहे हो, आपको शॉर्ट टर्म गेन हो गया, लेकिन देश देख रहा है कि आप जो है सत्ता के लिए देश को जलाने को भी यू डोंट माइंड, आप देश के टुकड़े करने को भी यू डोंट माइंड। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? क्या भारत को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हुई है या हो रही है? हाँ। बॉलीवुड एक होपलेस जगह है। बिल्कुल। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी। बेस्ट चीफ मिनिस्टर? योगी जी। मोस्ट पॉपुलर लीडर एवर? नरेंद्र मोदी जी। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। देश के निर्माण में नेहरू जी का योगदान कितना मानते हैं? नेहरू जी का योगदान वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। 17 साल रहे वो। कहते हैं कि उस समय बड़ा डिफिकल्ट था आजादी के बाद देश को संभालना और उसको बनाना। बात तो सही है। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे नहीं, आप अगर मुझे अपने वो थोपना चाहेंगे तो फिर मेरे तथ्य नहीं जान पाएंगे। आज हमने 10 सालों में जितनी तरक्की की है हर एस्पेक्ट में, अगर यही तरक्की उस टाइम पे मिली उन क्रूशियल 17 इयर्स में तो क्या होता, सोचिए खुद ही। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश, ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। माखन गुम म्यूजिक लगा। इन्होंने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, क्या हुआ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड।